थलापति विजय के दम पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान साउथ में मचाएंगे अपनी चमक धमक, फिल्म जवान से करेंगे धमाका। शाहरुख खान आने वाले दिनों में अपनी एक से बढ़कर एक फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन उनकी फिल्म जवान मोस्ट चर्चित फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में शाहरुख खान धमाकेदार एक्शन करते नजर आएंगे और उनके लव लेडी के किरदार में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, शाहरुख खान को यह बड़ा फायदा है कि इस फिल्म में जो डायरेक्टर है वह साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली है, वही नयनतारा भी साउथ की एक चहेती एक्ट्रेस है और इन दोनों का फायदा उनको साउथ बेल्ट में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी होने वाला है। लेकिन अब दोस्तों, इसी बीच शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर उन्हें एक और बड़ा सरप्राइज मिला है। आपने बिल्कुल सही सुना, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में साउथ सुपरस्टार थलापति विजय भी नजर आने वाले हैं। इसके बारे में खुद जवान के डायरेक्टर एटली ने हिंट दिया है। दरअसल एटली ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और थलापति विजय नजर आ रहे हैं। एटली ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की एक फोटो शेयर कर लिखा, मैं अपने बर्थडे पर और क्या मांग सकता हूँ, मेरे पिलर्स के साथ मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे, मेरे प्रिय शाहरुख खान सर और मेरा भाई विजय थलापति। अब इस फोटो को देखने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि इस फिल्म में थलापति विजय की स्पेशल अपीयरेंस होने वाली है। इस फोटो में विजय और शाहरुख खान साथ में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, वही तीनों मैचिंग ब्लैक आउटफिट में दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। वही ट्विटर पर शाहरुख खान और थलापति विजय ट्रेंड हो रहा है। अगर इस फिल्म में थलापति विजय होते हैं तो ये शाहरुख खान के लिए बड़ी ट्रीट होगी कि उनकी फिल्म साउथ बेल्ट में भी जबरदस्त झंडे गाड़ेगी, क्योंकि साउथ में थलापति के नाम से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती है और थलापति का फायदा अब शाहरुख खान को मिल सकता है। यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा और हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। यह फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं।